please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सेंट्रल कोर्ट में बंद जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सलमान खान को आज रात भी जेल में ही रहना पड़ेगा। जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान खान की जमानत याचिका पर लगभग एक घंटे तक सुनवाई चली, लेकिन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अब माना जा रहा है कि कोर्ट सलमान की जमानत याचिका पर कल सुबह फैसला सुना सकती है। महिपाल जी, पहले बात सरकारी वकील की ओर से जो उनकी ओर से बचाव उनकी ओर से जो तर्क रखा गया सलमान खान के वकील की ओर से, उसमें एक उन्होंने कहा कि गवाह जिस गवाह की आप बात कर रहे हैं आई विटनेस की, वो 2 किलोमीटर दूर था। निश्चित तौर पे ये सारे आर्गुमेंट पूर्व में उनके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ किए जा चुके हैं और उन्हें ये कहा है 2 किलोमीटर दूर था, जिससे कि लाइट नहीं दिखाई देती है। परंतु यदि फैक्चुअल में दिया जाए तो न्यायालय ने जो अभियोजन पक्ष में पूर्व में साबित किया है उसको सही माना है, तो बार बार उन्हीं तर्कों के साथ में यहाँ उनका ये, उनके अलावा सही मायने में देखें तो उनके पास इस बचाव का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने तर्क उठाए थे तो वो उनके क्रॉस के अंदर वो साबित ही नहीं कर पाए, और अभियोजन पक्ष के जो गवाह रहे वो मजबूती के साथ रहे, वो उन्होंने अपना पक्ष रखा। तो निश्चित तौर पर अभियोजन के गवाह, FSL रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मजबूत साक्ष्य है अभियोजन के पास में, तो निश्चित तौर पे PM रिपोर्ट को फिर उन्होंने उठाया। ये बार बार निश्चित तौर पे इनके पास में PM रिपोर्ट को गलत साबित करने का अलावा बात नहीं रही। अपनी जो रिपोर्ट है, अपने जो गवाह, एक भी ये पेश नहीं कर पाए, बार बार एक ही लिया। वन विभाग के अधिकारी उनसे दुश्मनी रखते थे, लेकिन कैसी दुश्मनी कहीं पर भी साबित नहीं हुआ। विष्णु समाज के लोग दुश्मनी रखते, क्यों रखते उनसे पूर्व में कैसे नहीं, ये एक इनके कंटिन्यूस पूर्व के वही आधार है जिन आधारों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा खारिज करके इन्हें सजा दी गई है, उन्हीं तर्कों को वापस उठाया गया है। एक दिन में बरी कर दिया गया, ये सीधा वो आधार सबसे बड़ा गिना रहे हैं कि आर्म्स एक्ट में बरी किया गया, हथियार जब मुंबई से जोधपुर आए ही नहीं तो शिकार कैसे हुआ। निश्चित तौर पर जो बरी गया उसके पश्चात इस केस के अंदर वो सभी गवाह थे, क्योंकि उस आर्म्स एक्ट के अंतर्गत काफ़ी गवाह अभियोजन के लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं थे, वो करवा नहीं पाए, वो एक कमी रही थी उनकी। लेकिन इस केस में कोई कमी नहीं, इसमें सारे विटनेस गवाह एयर जो प्लेन से दिया सब अभियोजन अपना केस साबित किया है, इसलिए वो केस का तथ्य इस पे लागू नहीं होता, वो प्रकरण पूर्ण रूप से भिन्न है और ये प्रकरण मजबूत और उसी के मजबूती के आधार पर इसे सजा हुई है। आपने पत्रावली मांगी? निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो पेश की गई अधिनिश न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया है, वो भी रिपोर्ट बाद में कल रखा गया फैसला। यदि उनके बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा भी अपनी बहस की गई है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में पीठासीन अधिकारी रविंद्र कुमार जी जोशी के द्वारा निर्णय कल जमान सेंटेंस सस्पेंड का सुरक्षित कल बहस होगी या फैसला ही होगा, अभी उसके बारे में राय दिया जा कहना उचित नहीं है। यदि कल बचाव पक्ष के अधिवक्ता कोई और आर्ग्यूमेंट या कोई तर्क रखना चाहे या कुछ तो पुनः बहस हो सकती है, लेकिन क्योंकि रिजर्व जब किया कर दिया जाता है तो जहाँ तक है कोई बहस नहीं होती है। शुक्रिया। तो ये है महिपाल विश्नोई, विश्नोई समुदाय के वकील हैं जो इस केस को लगातार पिछले 20 साल से लड़ते आ रहे हैं विश्नोई समुदाय की ओर से और सरकारी पक्ष के साथ में। उनका ये कहना है कि अब इस फैसले को रिजर्व रख लिया गया, पत्रावली मंगाई गई है और कल अगर बचाव पक्ष की ओर से कोई बहस नहीं हुई तो सीधा फैसला आया, और बहस हुई तो फिर कुछ बहस हो सकती है, इनकी ओर से जवाब दिया जा सकता है। अभी पत्रावली जिसको न्यूज़ 18 इंडिया ने सुबह से इस बात को उठा रहा है कि पत्रावली मंगाने की मांग की जा रही थी और आखिरकार कोर्ट में रखी गई, और अब डॉक्यूमेंट्स जो पिछली कोर्ट से हैं वो आएंगे, उसके बाद में फैसला होगा। कैमरामैन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर। काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद सलमान खान को आज रात भी जेल में ही रहना होगा। जोधपुर सेशन कोर्ट में सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग एक घंटे तक बहस चली। सलमान के वकील ने कोर्ट से चश्मदीद गवाह पर भरोसा न करने की अपील की, जबकि सरकारी वकील ने चश्मदीद गवाह के साथ साथ बाकी सबूतों का हवाला देते हुए जमानत न देने की मांग की। कोर्ट ने अब निचली अदालत से रिकॉर्ड मंगाया है और फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रख दिया। महिपाल जी, पहले बात सरकारी वकील की ओर से जो उनकी ओर से बचाव उनकी ओर से जो तर्क रखा गया सलमान खान के वकील की ओर से, उसमें एक उन्होंने कहा कि गवाह जिस गवाह की आप बात कर रहे हैं आई विटनेस की, वो 2 किलोमीटर दूर था। निश्चित तौर पे ये सारे आर्गुमेंट पूर्व में उनके मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ किए जा चुके हैं और उन्हें ये कहा है 2 किलोमीटर दूर था, जिससे कि लाइट नहीं दिखाई देती है। परंतु यदि
फैक्चुअल में दिया जाए तो न्यायालय ने जो अभियोजन पक्ष में पूर्व में साबित किया है उसको सही माना है, तो बार बार उन्हीं तर्कों के साथ में यहाँ उनका ये, उनके अलावा सही मायने में देखे तो उनके पास इस बचाव का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने तर्क उठाए थे तो वो उनके क्रॉस के अंदर वो साबित ही नहीं कर पाए, और अभियोजन पक्ष के जो गवाह रहे वो मजबूती के साथ रहे, वो उन्होंने अपना पक्ष रखा है, तो निश्चित तौर पर अभियोजन के गवाह, FSL रिपोर्ट, डॉक्टर की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मजबूत साक्ष्य है अभियोजन के पास में, तो निश्चित तौर पर PM रिपोर्ट को फिर उन्होंने उठाया, ये बार बार निश्चित तौर पर इनके पास में PM रिपोर्ट को गलत साबित करने का अलावा बात नहीं रही, अपनी जो रिपोर्ट है, अपने जो गवाह, एक भी ये पेश नहीं कर पाए, बार बार एक ही लिया, वन विभाग के अधिकारी उनसे दुश्मनी रखते थे लेकिन कैसी दुश्मनी, कहीं पे भी साबित नहीं हुआ, विष्णोई समाज के लोग दुश्मनी रखते, क्यों रखते, उनसे पूर्व में कैसे नहीं, ये एक इनके कंटिन्यूस पूर्व के वही आधार है जिन आधारों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा खारिज करके इन्हें सजा दी गई है, उन्हीं तर्कों को वापस उठाया गया है, एक दिन में बरी कर दिया गया, ये सीधा वो आधार सबसे बड़ा गिना रहे हैं कि आर्म्स एक्ट में बरी किया गया, हथियार जब मुंबई से जोधपुर आए ही नहीं तो शिकार कैसे हुआ? निश्चित तौर पे जो बरी गया उसके पश्चात इस केस के अंदर वो सभी गवाह थे, क्योंकि उस आर्म्स एक्ट के अंतर्गत काफ़ी गवाह अभियोजन के लिस्ट ऑफ विटनेस में नहीं थे, वो करवा नहीं पाए, वो एक कमी रही थी उनकी, लेकिन इस केस में कोई कमी नहीं, इसमें सारे विटनेस गवाह एयर जो प्लेन से दिया सब अभियोजन अपना केस साबित किया है, इसलिए वो केस का तथ्य इस पे लागू नहीं होता, वो प्रकरण पूर्ण रूप से भिन्न है और ये प्रकरण मजबूत और उसी के मजबूती के आधार पर इसे सजा हुई है। आपने पत्रावली मांगी? निश्चित तौर पे उनके द्वारा जो पेश की गई अधिनिश न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया है, वो भी रिपोर्ट बाद में कल रखा गया फैसला, यदि उनके बचाव पक्ष के अधिवक्ता के द्वारा भी अपनी बहस की गई है तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद में पीठासीन अधिकारी रविंद्र कुमार जी जोशी के द्वारा निर्णय कल जमान सेंटेंस सस्पेंड का सुरक्षित कल बहस होगी या फैसला ही होगा अभी उसके बारे में राय दिया जा कहना उचित नहीं है, यदि कल बचाव पक्ष के अधिवक्ता कोई और आर्ग्यूमेंट या कोई तर्क रखना चाहे या कुछ तो पुनः बहस हो सकती है, लेकिन क्योंकि रिजर्व जब किया कर दिया जाता है तो जहाँ तक है कोई बहस नहीं होती है। शुक्रिया। तो ये है महिपाल विश्नोई समुदाय के वकील हैं जो इस केस को लगातार पिछले 20 साल से लड़ते आ रहे हैं विश्नोई समुदाय की ओर से और सरकारी पक्ष के साथ में। उनका ये कहना है कि अब इस फैसले को रिजर्व रख लिया गया, पत्रावली मंगाई गई है और कल अगर बचाव पक्ष की ओर से कोई बहस नहीं हुई तो सीधा फैसला आया और बहस हुई तो फिर कुछ बहस हो सकती है, इनकी ओर से जवाब दिया जा सकता है। अभी पत्रावली जिसको न्यूज़ 18 इंडिया ने सुबह से इस बात को उठा रहा है कि पत्रावली मंगाने की मांग की जा रही थी और आखिरकार कोर्ट में रखी गई और अब डॉक्यूमेंट्स जो पिछली कोर्ट से हैं वो आएंगे उसके बाद में फैसला होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। हमारे साथ हैं सरकारी वकील पोखराम बिश्नोई। बिश्नोई साहब आप बताएं क्या हुआ आज कोर्ट के अंदर? आज कल पे रखा गया पत्रावली आएगी अन्वेष न्यायालय की। उन्होंने जो तर्क रखा गया था सबसे बड़ा, उन्होंने कहा था कि आम से केस के अंदर बरी हो चुके हैं सलमान खान पहले से, जब हथियार ही नहीं आए तो शिकार कैसे किया? अब इस बारे में क्या न्यायालय ने माना है उनको दोषी, खाली हथियार बरामद होना ही कोई जरूरी थोड़ी है। आई विटनेस है पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, FSL रिपोर्ट है, सारी बरामदगियाँ हुई है। वहाँ के निवासी थे, पीछे भागे हैं, इन लोगों को देखा है। उन्होंने कहा पूनम चंद जी 2 किलोमीटर दूर थे। प्रोसिक्यूशन लॉयर सर, पूनम चंद जी, हैज द ऑर्डर बीन रिजर्व फॉर टुमारो? हैज द ऑर्डर बीन रिजर्व फॉर टुमारो? ये दिखा रहे हैं प्रीति जिंटा जोधपुर पहुंची हैं, ये तस्वीरें वहां की हैं, ये तस्वीरें वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रीति जिंटा की तस्वीरें आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जोधपुर पहुंची हैं प्रीति जिंटा। सलमान खान को लेकर एक बड़ा फैसला आ जाया, बेल पर फिलहाल जो सुनवाई थी वो टल गई है क्योंकि तमाम और डिटेल्स मांगी गई है। इस बीच ये खबर आ रही है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रीति जिंटा पहुंची है जोधपुर, ये तस्वीरें हैं, प्रीति जिंटा इस वक्त वहां पर पहुंची हैं, आज सलमान खान से मुलाकात कर सकती हैं। नहीं ना भाई, किधर है? अरे नहीं, कहीं नहीं दिख रही वो है, तो वही तो दिख रही है, कागज लगा रखे।
तो आपको बता दें कि प्रीति जिंटा जोधपुर पहुंचे हैं। सलमान खान की बेल एप्लीकेशन को लेकर फिलहाल एक और दिन सुनवाई टल गई है।